अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम डर्मेटोलॉजी स्टार्ट की हुई थी और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने आपको बता दी जो आपसे कंसर्न थे मेनली, और अब हम जो अगली चीज़ करेंगे वो है वायरल इन्फेक्शन जो स्किन पे होते हैं, स्किन के वायरल इन्फेक्शन। वैसे तो वही बात है, मैं आपको दोबारा कहूँगी कि बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो आते हैं मैंने वही बताने हैं और उन्हीं से ताल्लुक है, बाकी आप नहीं भी करेंगे तो यू कैन डील इट ईजिली। तो उसमें एक आपका हर्पीस वायरस है, दूसरा आपके वायरल वॉर्ट्स या पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। अच्छा, जो हर्पीस वायरस है उसमें भी आपको पता है कि हर्पीस क्योंकि दो तरह का होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स होता है और दूसरा जो आपका हर्पीस जोस्टर होता है ना, तो दोनों में ही स्किन मैनिफेस्टेशंस आती हैं। तो इसका थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जो हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन है ये सिंपल आपका आप कह लें कि छोटा सा एक एरिया इन्वॉल्व करता है हमेशा, और कोई भी एरिया वो हो सकता है। हर्पीस सिंप्लेक्स के फिर दो टाइप्स कहते हैं, टाइप वन टाइप टू। टाइप वन ज़्यादातर अपर बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, टाइप टू लोअर बॉडी पार्ट को। और इसमें क्या होता है कि छोटे से फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं और थोड़ा सा इतने से पैच होगा, सपोज मेरे हाथ को मैं बात करूँ तो उंगली पे इतना सा होगा, ठीक है, अगर ये उंगली है तो इतना सा हो सकता है। और ज़्यादातर जो बुखार के बाद लोगों को होंट जो लिप्स के करीब बन जाता है वो भी हर्पीस सिंप्लेक्स का इन्फेक्शन होता है। बेसिकली ये वायरस लो इम्यूनिटी में एक्ट करता है, ठीक है। ऐसे होता ही है कि पेन हल्की होती है, उसके बाद एक ग्रुप ऑफ वेसिकल्स बन जाते हैं जिनके अंदर नॉर्मली फ्लूइड होता है, पसी फ्लूइड, और फिर वो फट के आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व कर जाते हैं। तो हर्पीस सिंप्लेक्स का ऐसा कोर्स है, कहीं भी बन सकते हैं। जेनिटल हर्पीस भी होता है जो जेनिटेलिया के बनता है, उसके अलावा नेक पे, फेस पे, बॉडी पे, किसी पार्ट पे भी बन सकता है। और एक दफा वायरस एंटर हो जाए तो जब जब बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये कभी निकलता नहीं है। ये हो गया हर्पीस सिंप्लेक्स। अच्छा, सिंप्लेक्स नॉर्मली जो है वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। एक थोड़ा सा कोर्स होता है इसका, थोड़ा सा शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, खत्म हो जाता है, किसी भी ट्रीटमेंट के बगैर भी ठीक हो जाता है। पर ज़्यादातर जिसके लिए दी जाती है वो टॉपिकल ए साइक्लोवीर दे देते हैं, ए साइक्लोवीर, ठीक है, लगाने के लिए, इससे ठीक हो जाता है। जो सिस्टेमिक ए साइक्लोवीर है ना, कि ओरल ट्रीटमेंट में साइक्लोवीर दे, वो हर्पीस सिंप्लेक्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम हर्पीस जोस्टर में देते हैं। जो हर्पीस जोस्टर है वो एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बॉडी में स्पेशल डर्माटोम को इफेक्ट करता है। ये वही हर्पीस जोस्टर वही वाला वायरस है जो आपका बचपन में चिकन पॉक्स करता है, और चिकन पॉक्स करने के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर पक्का सेटल हो जाता है। फिर जब कभी ज़िंदगी में बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये एक स्पेसिफिक डर्माटोम को इन्वॉल्व करता है लाजमी तौर पे। ये कोई एक छोटा एरिया नहीं होता, एक पर्टिकुलर डर्माटोम ऑफ स्किन होता है। वो पर्टिकुलर डर्माटोम आपका आइज़ के करीब जो फेस पे ना फोर हेड और आई को कवर करने वाला डर्माटोम भी हो सकता है, जिसमें आई की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। वो आपकी कमर का भी कोई भी एक डर्माटोम हो सकता है, जैसे आपकी ये पूरी एक बैक है बंदे की, तो ये एक पूरा डर्माटोम इन्वॉल्व हो गया। वो लेग पे भी हो सकता है लेकिन फेस पे और बैक पे बहुत कॉमन है, और इसकी पेन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें भी इसी तरह से ग्रुप वेसिकल्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में ये इन्वॉल्वमेंट होती है, सवेयर पेन होती है, लंबा कोर्स होता है इसका। और इसमें हमने टॉपिकल के साथ साथ सिस्टेमिक ए साइक्लोवीर ज़रूर देनी होती है, और बाकी एंटीवायरल्स भी इसमें चल सकते हैं, फैम साइक्लोवीर, गैन साइक्लोवीर, वेला साइक्लोवीर, मतलब कभी कभी उनका रोल भी होता है लेकिन ए साइक्लोवीर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर ये बाद में कई बार पेन्स भी छोड़ देता है, न्यूरोपैथिक पेन उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हर्पीस वायरस हो गया, इसका आपको अंदाज़ा होगा, भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इतनी डिटेल में नहीं गई। जो उससे ज़्यादा अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती भी है वार्ड्स में, सॉरी ओपीडी में, वो है वायरल वार्ड्स। इसको दूसरा नाम होता है पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से ये होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18, ठीक है, जो स्किन पे इन्फेक्शन करता है वो 16 और 18 होता है, और जो 6 और 8 होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कॉज तो मैंने आपको बता दी कि ये वायरस है, इसकी स्प्रेड होती है कि एक बंदे को अगर ये हुआ हुआ है तो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाना, यानी उसकी लीजन से कॉन्टैक्ट होना, या फिर अगर आपकी स्किन कहीं से एब्रेजन में है तो तब उससे कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ये स्प्रेड होता है। अच्छा, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स किस तरह से, आपने कभी वॉर्ट तो देखा ही होगा, ऐसे उभरा हुआ कॉलीफ्लावर लाइक अपेयरेंस इसका छोटा सा होता है, जो बिल्कुल टिपिकल पिक्चर होती है वो आपका बेसिकली इसके क्लिनिकल फीचर में होता है। लेकिन बेसिक इसकी जो टाइप्स है ना, इसकी 6 से 8 टाइप्स हैं, उनमें सब में डिफर करते हैं, और वो आपको समझ आएंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी इनकी पिक्चर में, लाजमी दिखाऊंगी इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में। ये डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जेनिटल एरिया में जेनिटल वॉर्ड कहते हैं, फेस पे फेशियल वॉर्ड, हाथों पे जो बनता है उसको प्लेन वॉर्ड्स कहते हैं, पाँव के नीचे प्लांटर वॉर्ड्स होते हैं, एक मोज़ेक भी होते हैं, एक फिलीफॉर्म भी होते हैं, जो फेस पे होते हैं उनको फिलीफॉर्म भी कहते हैं। तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन इसकी शेप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जिस पर स्किन में पेपिलोमा वायरस आके इन्फेक्ट कर देता है, आपके पास क्या आएगा, आपके पास तस्वीर आएगी, तस्वीर से आपको डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए। साथ सिनेरियो दे सकते हैं कि 16 इयर्स ओल्ड या फिर 26 इयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड टू यू विद पेन ऑन द नियर नेल ऑफ वन राइट थंब, और उसके साथ साथ द
स्किन ऑन एग्जामिनेशन द स्किन हैज अ वेलवेटी तो नहीं कहेंगे कि रफ सा टेक्सचर है विद सम प्रोट्रूजंस हो सकती हैं और साथ पिक्चर आपको दी होगी तो डिफाइन द डिजीज एंड गिव द डायग्नोसिस एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट स्टेप्स इस तरह से पूछते हैं ठीक है तो बस आपको डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए। पेपिलोमा वायरस बहुत ज़्यादा आता है, एमसीक्यू में भी आता है, कॉज पूछ लेते हैं, टाइप ऑफ द वायरस पूछ लेते हैं 16-18 ठीक है और इसके बाद इसकी मैनेजमेंट पूछते हैं। मैनेजमेंट में जो मेन तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, एक ये याद रखनी है बहुत ज़रूरी, ये याद रखनी है इसका मतलब मैं बताऊंगी और ये ठीक है, इसके बाद वाली नहीं भी याद रहती, इट्स फाइन, आपके लेवल से आगे की चीज़ें यहाँ तक हर अंडर ग्रेजुएट को बताओ। अभी सैलिक एसिड बेसिकली होता है कि ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए पेपिलोमा वायरस पे हम लगा दें तो वहाँ पर एरिया ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सैलिक एसिड सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, इसको सैलिक एसिड पेंटिंग कहते हैं कि जिस जगह पर पेशेंट की प्रॉब्लम है वहाँ पर हम इसको लगाते हैं, फॉर वीक्स लगाते रहते हैं और ऐसा ऐसा वो खत्म हो जाता है लेकिन पेनफुल होता है। सैलिक एसिड को लैक्टिक एसिड के साथ कंबाइन करो तो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, बेहतर पेशेंट का ट्रीटमेंट आता है। एक चीज़ होती है वॉर्ट पारिंग, PARING, वॉर्ट पारिंग का मतलब ये कि जिनके छोटे पेनफुल स्लाइट से पेनफुल होते हैं, ज़्यादा पेनफुल वॉर्ट्स नहीं होते और वो उभरे हुए होते हैं स्किन से, उनको हम कहते हैं कि हल्का हल्का सा स्पेशल सी नाइफ से थोड़ा थोड़ा डिसेक्ट करते जाते हैं। वो डिसेक्शन शुरू के में डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है माइक्रोस्कोप में देख के, और लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता वॉर्ट पारिंग से ओवर वीक्स एंड मंथ्स वॉर्ट खत्म हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डिसेक्ट करते जाओ ठीक है, ये एक तरीका होता है। वैसे अगर हम एक प्रोटोकॉल की बात करें तो जो वॉर्ट्स बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे होते, जो पेनलेस होते हैं, जिनका जिनसे कोई शक्ल जो ऐसी जगह पर होते हैं जिनसे आपकी लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, वो हम ट्रीट नहीं करते। जो पेनफुल होते हैं, जिनसे लुक में प्रॉब्लम आती है, जिनसे आपका स्टाइल ख़राब होता है या फिर आप वाकई में चाहते हैं कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है, उनको हम रिमूव करते हैं। उसके पहला तरीका ये है, दूसरा ये है, फिर वॉर्ट पारिंग यह चल सकती है, और जो रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होते हैं उनको क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी करने के लिए अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा जिसको कहते हैं इतनी तेज़ वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कि जैसे पता है ना, हमने कहा कि एक तो आग होती है ना, आग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की होती है, एक है कि बहुत ठंड भी किसी को दो तो भी वो चीज़ जल जाती है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कि वो चीज़ जल जाए, और जब जल जाता है तो फिर वो ख़त्म होकर गिर जाता है, बेसिकली वहाँ की ब्लड वेसल्स वगैरह सारी हम ख़त्म कर देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो झड़ जाता है, तो ये एक तरीका होता है। अच्छा, जो नेल्स के यहाँ तक आपने पक्का याद करना है, क्रायोथेरेपी कॉमनली ओपीडी में हो जाती है ठीक है जी, स्किन की ओपीडी में। नेल कटिंग तब करते हैं जब नेल्स के आसपास हो, कई बार हमें नेल काटना पड़ता है, ये इलेक्ट्रो डाइसेक्शन करनी पड़ती है, ये हाई फाई प्रोसीजर्स नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहे होते लेकिन ये होते हैं। जो बाकी रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होते हैं ना, इम्यूनोसप्रेस लोगों में, उनमें हम ये सब देते हैं, टॉपिकल फॉर्मल्डिहाइड, पोर्टोफाइलोटॉक्सिन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, रेटिनॉइड्स या इंटरफेरॉन बहुत हाई फाई लेवल पे, तो ये सब चीज़ें तब आती हैं ठीक है। लेकिन इनको नहीं भी याद रखेंगे तो अच्छी बात कुछ नहीं गुजारा हो जाएगा, रख लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। अब देख लेते हैं तस्वीरें ज़रा टाइप्स की। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वॉर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें ये सबसे पहला जो है ये कॉमन वॉर्ट है ठीक है, जो कि थोड़ा सा स्किन से प्रोट्यूटेड और कॉमनली बहुत ज़्यादा ये लोगों को होता है। ये जो दूसरा है जो कि स्पेशल कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस है, ये फिलिफॉर्म वॉर्ट है और ये खासतौर पर फेस पे होता है, फेशियल वॉर्ट भी इसी को कहते हैं। जो हाथों और बाजुओं पर निकलते हैं वो ऐसे फ्लैट वॉर्ट होते हैं, और ये ऐसा कई बार लगता है कि सिर्फ पिगमेंटेड स्किन है और इसमें डायग्नोसिस कई बार मिस हो जाता है। फिर ये जो पाँव के नीचे बनाए हुए हैं प्लांटर वॉर्ट्स ठीक है, जो जेनिटल एरिया में है ये जेनिटल वॉर्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये है मुंह के अंदर ओरल वॉर्ड्स, उसके बाद आ जाते हैं आपके जो ये वाला है कौन सा, ये देखें नेल के इर्द गिर्द, दिस इज़ पेरी एंगल वॉर्ड्स हैं, और ये भी एक किसी एरिया का है जो कि प्रॉबेबली आपकी बैक का है ठीक है, तो ये आपका एक और वॉर्ड हो गया। तो दिस दीज आर द टाइप्स ऑफ वॉर्ड्स। यहाँ पर बात ख़त्म करते हैं, किसी कोई मसला हो के नाश में, थैंक यू।